वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस रीट्स, यहाँ पे देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस ये, और आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जॉब्स वगैरह आई हुई, मैं खुद बता दूँ गाइस। गाइस बाकी की वीडियो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं मेरे, तो गाइस आपको दिखा देते हैं जॉब में। गाइस हम यहाँ पे करियर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे गाइस यहाँ पे वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे, फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी जॉब आई हुई है एंगेजमेंट और अप्रेंटिसशिप 2021। गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वैकेंसी नंबर, और गाइस यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं। गाइस ये 22 को आई थी अप्रैल में, और गाइस ये अगले महीने 12 को ये ख़त्म हो जाएगी, इसकी लोकेशन क्लोजिंग डेट है। तो गाइस आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जो इनकी नोटिफिकेशन है, तो गाइस यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, आप यहाँ पे गाइस देख ही सकते हैं क्लोजिंग डेट वगैरह और स्टार्टिंग डेट। तो गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे ये गाइस ये मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं अंडरटेकिंग कंपनी है। तो गाइस यहाँ पे आप ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे गाइस आपको स्टाइपेंड मिलेगा 14,000, और गाइस यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक यहाँ पे बी की होनी चाहिए, और 76 वैकेंसीज है हमारे यहाँ पे बीटेक वालों के लिए, और गाइस जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनके लिए भी यहाँ पे रहने वाली है 20 वैकेंसीज। गाइस आप अपने फ्रेंड्स को ये रिकमेंड कर सकते हैं नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को। तो गाइस डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप गाइस यहाँ पे देखते हैं 12,000 हैं मिलेगा स्टाइपेंड, और गाइस इंजीनियरिंग डिप्लोमा होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, और 15 वैकेंसीज है यहाँ पे। ITI पास यहाँ पे अप्रेंटिसशिप भी है गाइस 10,000 मिलेगा, पास आउट के लिए 35 यहाँ पे वैकेंसीज है। तो गाइस टोटल यहाँ पे 146 यहाँ पे वैकेंसीज है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सर्टिफाइड होना चाहिए AICTE के और स्टेट गवर्नमेंट वगैरह इनके लिखा हुआ है यहाँ पे, और ITI वाले NCVT SCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे तो आप एलिजिबल हो ही, तो गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे गाइज रिजर्वेशन भी रहेगा, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की हुई इन्होंने, और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज के बारे में बोला हुआ है इन्होंने, मिनिमम 60% गाइज इनमें आपको रहने वाली है क्वालिफिकेशन, और 50% रहने वाली क्वालिफिकेशन बाकी के लिए। यहाँ पे आप देखते हैं STSC OBC के लिए, जनरल और EWS के लिए रहने वाली है 60%। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, तो गाइस आपको यहाँ पे नीचे और देख सकते हैं इसमें, और आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी इनकी वेबसाइट पे। तो गाइस रजिस्ट्रेशन करने के बाद गाइस आपको ये सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे जो इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आप मैं ओपन करके दिखाता हूँ ये वाला फॉर्म। गाइस पे क्लिक करने के बाद गाइस आपका बस ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको ये गाइस फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी इनकी वेबसाइट पे, तो आपको ये फॉर्म भर के यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और गाइस और इसने बताया हुआ कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं हाउ टू अप्लाई। गाइस फॉर्म भरने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मेल करना पड़ेगा, आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ पे स्कैन कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गाइस आप देख लेना इसे, बाकी पढ़ लेना खुद भी। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे CGPA की यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं उनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस और भी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा गाइस आप यहाँ पे चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। गाइस आपको मैं वैकेंसी गाइस यहाँ पे 6 नंबर पर इनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, तो गाइस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ वैकेंसीज वगैरह जो रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे वैकेंसीज इन्होंने बताई हुई है QA में हमारा डिवीज़न है ये, यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है गुड़गांव में। तो गाइस इसमें लोकेशंस काफ़ी हैं, दिल्ली में रहने वाली मैकेनिकल के लिए और नॉन ग्रेजुएट के लिए भी रहने वाली है, और गाइस यहाँ पे 3 थी मैकेनिकल के लिए, और गाइस बाकी बहुत सारी हैं यहाँ पे सिविल के लिए देख सकते हैं मैकेनिकल कोलकाता में रहने वाली हैं गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोलकाता गाइस, केमिकल के लिए गाइस कोलकाता, मुंबई भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मुंबई केमिकल मुंबई, और गाइस यहाँ पे असम में रहने वाली है इसकी हमारी सिविल वालों के लिए, और मेटलर्जी इंजीनियर के लिए भी रहने वाली रायपुर बिहार में गाइस इस काफ़ी हैं गाइस, मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल गाइस ये वाली काफ़ी यहाँ पे दी हुई लोकेशन गाइस आप चेक कर सकते हैं अपनी पास वाली लोकेशन में आप फिल कर देंगे, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी है NCVT गाइस ये ITI वालों के लिए है, ITI जिनकी होती है उनके लिए लोकेशन वगैरह दी हुई काफ़ी है, तो इसमें भी आप देख लेना गाइस। और HR ग्रेजुएट गाइस नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनके लिए रहने वाली है, बीटेक इलेक्ट्रिकल के लिए गाइस ये पहले रहने गुड़गांव में भी रहने वाली हैं 2 पोस्टें, तो वैकेंसी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है गाइस वैकेंसीज हमारी बीटेक वालों के लिए,
10 वैकेंसीज है ये गाइज, काफ़ी इसमें लोकेशंस है, तो आप देख लेना गाइज इसे भी। सिविल इंजीनियरिंग के लिए गाइज काफ़ी आई हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली बेंगलोर काफ़ी गाइज यहाँ पे नीचे तक, और गाइज सिविल इंजीनियरिंग और भी है गाइज, अगर रांची कोलकाता लखनऊ रायगढ़ भुवनेश्वर, तो गाइज इसमें काफ़ी है। तो इसमें गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ कैटेगरी वाइज इन्होंने लिखा भी हुआ कितने कितनी वैकेंसी रहने वाली है, और यहाँ पे गाइज और भी इन्होंने काफ़ी कुछ दिया यहाँ पे नीचे, आप चेक कर लेंगे इनके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गाइज। और इसमें नीचे गाइज इन्होंने फॉर्म भी दिया हुआ है फिल करने के लिए ये वाला फॉर्म, तो गाइज इसमें जो जो इन्होंने स्टेप्स बताए उसके द्वारा ही आप फिल करना गाइज। और आज की वीडियो में गाइज इतना ही, और जो वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, थैंक यू गाइज़।